همون دلبره دلا رو میخوره چربلا میباره با اون نسیمی که داره عطر گل یار آقامون میدونه این دل دیوون कि ये वो किताब है कि जिसमें किसी किस्म का शक नहीं है। अज़ीज़ाने मोहतरम, जैसा कि मुहर्रम की अभी आमद है, तो जैसे ही मुहर्रम की आमद के अयाम आने वाले होते हैं तो नवासब की तरफ से और खारजियत की तरफ से शियाने मोहम्मद व आले मोहम्मद पर तरह तरह के सवालात किए जाते हैं और गरीज प्रोपेगंडे किए जाते हैं। बच्चों को डराया जाता है, बड़ों को डराया जाता है, डराने के मुख्तलिफ उनके हरबे हैं। बच्चों को डराया जाता है कि इनके लंगर न्याज ना खाना, क्योंकि लंगर न्याज में ये घोड़ों की आँख का थूक डालते हैं, यहाँ तक कि कुछ और चीज़ें भी का भी वो जिक्र करते हैं जहाँ पे अपना मकसूद नहीं है। पिछले मैंने वीडियोस में जवाब आसन और कंप्लीट दे चुका हूँ। और बड़ों को इसलिए डराया जाता है कि इनकी मजालस में जाना, इनके जुलूस में जाना, क्योंकि निकाह टूट जाता है। अज़ीज़ाने मोहतरम, निकाह का टूटना इतना नाजुक होता है कि निकाह किसी से किया जाता है, तलाक किसी जरिए से हो जाता नहीं। एक मैं आपको वाज़े पैगाम देता चलूँ, दुनिया की कोई भी ताकत आपकी बीवी को तलाक नहीं दे सकती। हाँ, खुला के मामला तो है कि अगर वो तलाक एक दावा दायर करे तो वो अलग बात है, लेकिन अगर कोई गली मोहल्ले में अज़्ज़ो कारब, यहाँ तक कि आपका बाबा, आपका भाई, आपका ताया, आपका चाचा, मामू तलाक नहीं दे सकता, तलाक देने वाला सिर्फ वो मर्द को इख्तियार है जिसके वो निकाह में होती है। कहा जाता है मजलिस में जाओ, मजलिस में जाओ, निकाह टूट जाएगा। ये जितना ज़्यादा इनका कच्चा मजहब है उतनी ही कच्ची इनकी तलाक होती है। ये प्रोपेगंडे शियाने अली के खिलाफ किए जाते हैं। अब यहाँ पर घोड़ों के बारे में प्रोपेगंडे किए जाते हैं। अब घोड़ों की फजीलत के लिए कुरान की आयात मौजूद हैं, सूरह वल आदियात, पूरी आयत, पूरी कुरान की सूरत घोड़ों पर है, घोड़े की फजीलत पर। वल आदियात इजाबन, अल्लाह ताला कहते हैं मुझे कसम उन घोड़ों की, अल्लाह ताला अपने सूरत की इब्तदा ही घोड़े की कसम से कर रहे हैं। और अगर देखा जाए कि पूरी सूरत आप तलावत फरमाएं, आपको तर्जमे में जाए, तर्जमे में आपको पूरे घोड़े की फजीलत मिल जाएगी, तो मैंने पिछली वीडियो में भी दिया है। अब यहाँ पर मैं किताब का नाम ले रहा हूँ, उस किताब का है सही मुस्लिम शरीफ। सही मुस्लिम में इसका तर्जमा जो किया गया, अलामा वहीदुज़्ज़मान खान साहब ने इसका तर्जमा किया है। और मुस्लिम शरीफ की में रवायत है, ये हदीस नंबर है 845 और 847 और 848। ये हदीस के नंबर हैं, तीनों हदीस से मैं आपके ज़रिए आपके सामने पेश कर रहा हूँ। हज़रत अब्दुल्लाह इबन उमर रज़ी अल्लाह अन्हुमा से यह रवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि घोड़े की पेशानी में बरकत है, यानी कि घोड़े की पेशानी में बरकत है। ये रावी कौन है? हज़रत अब्दुल्लाह इब्ने उमर रज़ी अल्लाह अन्हु। और फिर जो हदीस नंबर 47 है, तो उसमें यह है कि जुरैर बिन अब्दुल्ला से रवायत है, फरमाते हैं कि रवायत करते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना है, को देखा है क्या, कि आप घोड़े की पेशानी में अपनी उंगलियां फेर रहे हैं, यानी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घोड़े से इतना इस कदर प्यार कर रहे हैं कि घोड़े की पेशानी पे उंगलियां फेर रहे हैं। तो हम भी घोड़े की पेशानी को लगाना बायस से बरकत समझते हैं। शबीहात मुकद्दसात इमाम हुसैन के घोड़े की सवारी हो, घोड़ा हो, या मौला कायनात अली इब्न अबी तालिब के घोड़े की शबीह हो, हम उसकी शबीह को हाथ फेरते हैं। घोड़े की पेशानी पे हाथ फेरना, उंगलियां फेरना, ये सुन्नत रसूल में से है, ना कि आप इस पर गलीज प्रोपेगंडा करें। और अगली रवायत है अरवा पारकी से, रवायत है कि रवायत करते हैं कि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बरकत बंधी हुई है घोड़ों की पेशानी में और क्यामत तक ये बरकत बरकरार रहेगी। ये नहीं कि सुल्ला के दौर में तो घोड़ों की पेशानी में बरकत है, या असाबे पैगंबर का जो दौर गुजरा उसमें तो बरकत है, या ताबेईन या तबा ताबेईन की, या नहीं, क्यामत तक रसूल फरमाते हैं घोड़ों की पेशानी में बरकत है।
तो ये रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये सुन्नत है, ये फरमान है कि घोड़े की पेशानी में बरकत है, घोड़े की पेशानी पे हाथ लगाना, घोड़े की पेशानी में उंगलियां डालना, उनके बालों को मसाज करना, ये सुन्नत रसूल में से है। घोड़े की तज़ीम हम पर, उन घोड़ों की तज़ीम फ़र्ज़ है कि जो घोड़े इमाम हुसैन और अहले बैत पैगम्बर से मंसूब है, रसूलुल्लाह के घोड़े मंसूब हैं, और कुरान ऐसे घोड़ों की कसम खाता है, वमा अलैया इल्लल बलागुल मुबीन। और अज़ीज़ान मोहतरम, एक और बात मैं आगे अब बढ़ाता चलूँ, और एक और रवायत में देखा, तरीक़ तबरी की रवायत आपके सामने पेश कर रहा हूँ। तरीक़ तबरी में कि जब जंग जमल हुई, जंग जुमल के रोज़ बनू ज़बा और अज़दियों ने, यानी कि कुछ ऐसे कबाइल थे जंग जुमल में, जो उम्मुल मोमिनीन बीबी आयशा सिद्दीका, जो मोमिनीन की माँ, अल्हम्दुलिल्लाह आपकी भी माँ है, हमारी भी माँ है, बल्कि मैं तो अक्सर कहता हूँ मैं सैयद हूँ, हमारी जहाँ पे माँ है वहाँ पे हम सदात की नानी मोहतरमा में भी है। तो जब जंगे जुमल में जनाब बीबी आई मुकाबले में, तो उसके बाद एक ऊँट पे वो सवार होकर आई थी, ऊँट पे सवार होकर, इसलिए जंग जुमल कहा जाता है ऊँट वाली जंग। तो बीबी ऊँट जिस ऊँट पे सवार थी, उस ऊँट का नाम अस्कर नामी ऊँट था। अस्कर नामी ऊँट के लिए वहाँ पे कुछ ऐसे कबायल ने तरह तरह के वहाँ पे हकायात, तरह तरह के वहाँ पे मौजजात उन्होंने बना लिए थे, यहाँ तक कि जब वो ऊँट मेंगनियाँ करता था तो लोग उनके ऊँट की मेंगनियों को सूंघते थे, और सूंघ के कहते थे कि मुश्के अंबर से भी ज़्यादा खुशबू आ रही है, यहाँ तक कि वो मेंगनियाँ उठाकर तबर्रकन खाते भी थे, अपने चेहरों पर भी मलते थे। तो ये वो रवायत आपके सामने है, सही तारीख तबरी की रवायत है, कि लोगों ने, हमारे यहाँ ये नहीं मिलता कि हम उन घोड़ों की मेंगनी उठाते हों या पेशाब को तबारक मानते हो, नहीं, घोड़े के पेशाब को हम तबारक नहीं मानते, घोड़े की मेंगनी को तबारक नहीं मानते। बहरहाल जंग जुमल में कुछ ऐसे कबायल थे कि जिन्होंने उस ऊंट की मेंगनियों को सूंघा भी है, खाया भी है, और चेहरे पर तबारकन मला भी है। और जब ये चीज देखी गई ना, तो मौलाए कायनात अली इब्न अबी तालिब ने बाद जंगे जमल उस ऊँट को आपने ज़िबा करवा दिया था। ज़िबा करवाने के बाद टुकड़े टुकड़े करवा कर उसको जला दिया था, जलाने के बाद राह को उड़ा दिया गया ताकि लोग उनके गोश्त को तबरकन उठा कर ले जाएं, और उस राह को तबरकन उठा कर ले जाएं, क्यों कि वो लोग शिर्क के मुर्तकिब हो गए थे। फिर मानना पड़ेगा कि वो लोग जिनका ये ईमान इकान हो, तो जब वो मौला अली के मुकाबले में आएंगे कहाँ वो हक पर होंगे। वमा अलैया इल्लल बलागुल मुबीन। हवा मुंदर बारे तलारों में खारे।